नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 70 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, खबर लिखे जाने तक आए 13 नए कोरोना पॉजिटिव। भूपेंद्र की शहादत का बदला लेने के लिए गांव का हर युवा है तैयार, कहा ग्रामीणों ने। नगर परिषद ने साफ कराए डस्टबिन, चेयरमैन ने कहा आगे से समय पर खाली होंगे डस्टबिन। वंचित और अनुसूचित जाति ने प्रदेश सरकार का जताया आभार, नौकरियों में आरक्षण वर्गीकरण को बताया सराहनीय कदम। भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 मोटरसाइकिल छीनने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी में 70 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर पहुंचे, तो अब यहां एक्टिव केसेस 325 बचे हैं। वहीं 17 नए केसेस भी आने से कुल संख्या 1803 हो गई है, जिनमें से 1462 केसेस ठीक हो चुके हैं। शनिवार दोपहर तक 500 और सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में बुधवार को खबर लिखे जाने तक 13 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक तो शाम से, एक भवानी खेड़ा से, 2 गांव बुसान से, 1 गांव बड़ेसरा से, 7 विकास नगर, 1 विजयनगर भिवानी से हैं। अब तक जिले में कुल 1803 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1462 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 325 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 500 सैंपल भी लिए जा चुके थे। जिले में बुधवार को 70 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। हरियाणा के जवान भूपेंद्र का पार्थिव शरीर चरखी दादरी जिले के गांव रानीला बास पहुंचा, तो इस जवान की शहादत को सलामी देने के लिए अनेक गांवों के लोग पहुंच गए। कश्मीर में तैनात इस जवान की शहादत पर 4 से 5 हजार लोगों ने इसे अश्रुपूर्ण विदाई दी और इसकी देशभक्ति के जज्बे को सलाम भी किया। कश्मीर बारबूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बास पहुंच गया। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह ने अपनी जान गंवा दी। पाकिस्तान से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए भूपेंद्र का आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ परिवार की महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल था। वहीं शहीद के बड़े भाई ने उनकी शहादत पर गर्व जताया, और इतना ही नहीं, शहीद भूपेंद्र के छोटे भाई ने सेना में भर्ती होकर उनकी शहादत का बदला लेने की बात भी कही। इस दौरान भारी संख्या में गांववासी वहां मौजूद रहे और शहीद की शहादत को नमन किया। कश्मीर बारबूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बास पहुंच गया। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह ने अपनी जान गंवा दी। पाकिस्तान से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए भूपेंद्र का आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार की महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल था। वहीं शहीद के बड़े भाई ने उनकी शहादत पर गर्व जताया, और इतना ही नहीं, शहीद भूपेंद्र के छोटे भाई ने सेना में भर्ती होकर उनकी शहादत का बदला लेने की बात भी कही। इस दौरान भारी संख्या में गांववासी वहां मौजूद रहे और शहीद की शहादत को नमन किया। प्रिंस शहीद के सम्मान में मेजर प्रिंस तो भाई लोग रहे। अरे भाई अट्ठे यार उस्ताद टाइम पर आ गया। नहीं हो तो मेरे को ले लिया
सामने देखियो जी रेजिमेंट 1900 15 कोर का हिस्सा है और 2015 से इनकी तैनाती भारतीय आर्मी के साथ थी। मई 2017 से जम्मू कश्मीर सेक्टर में नौगांव सेक्टर के पोस्ट पे गनर भूपेंद्र की तैनाती। 5 सितंबर 2020 को दुश्मन से लड़ते हुए सीएफई के दौरान दुश्मन को रोकते हुए एक ओपी पोजीशन पे गनर भूपेंद्र शहीद हुए। सर्विस एयरक्राफ्ट से बीवी कैंट दिल्ली से लेकर यहाँ पे दिल्ली आया, बीवी कैंट से दिल्ली आया और फिर दिल्ली से पूरे राजकीय सम्मान के साथ गनर भूपेंद्र का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान शहादत सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव चरखी दादरी के अंदर आया और अभी हाल फिलहाल में उनके अंतिम संस्कार के लिए भारतीय सेना और पूरे गांव वाले साथ। हम आपसे यही आह्वान करते हैं कि ऐसे समय आप फौजियों का सपोर्ट करें और भारतीय सेना और भारतीय जवान और पूरा समूचा भारत भारतीय गणतंत्र एक साथ इकट्ठा होकर दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। और मैं आपको बताना चाहूँगा शहीद भूपेंद्र की शहादत खाली नहीं जाएगी, उसका बदला जरूर दुश्मनों से लिया जाएगा। मैं उन्हें प्रेरणा देना चाहूँगा क्योंकि शहीद हमारे लिए एक प्रेरणा होता है। आप एक आम तरीके से एक जान गंवाते हैं और सीमा पे भारतीय सीमा पे भारत माता की रण की रक्षा करते हुए आप एक जान गंवाते हैं, उसकी बात अलग है। उनके छोटे भाई के लिए गनर भूपेंद्र एक प्रेरणा स्वरूप है। इस तरह से शहादत हुई आपके भाई की, कहाँ पर रेजिमेंट थे और आप क्या कहेंगे? मेरा भाई कुपवाड़ा में तैनात था, नौगांव में, और शनिवार सुबह उन मेरे पास कॉल आया कि आपके भाई देश के लिए शहीद हो गए, देश की मिट्टी में विलीन हो गए। मेरा भाई देश के लिए अमर हुआ है। उनकी तैनाती नौगांव में थी, मेरे पास उनके लेफ्टिनेंट का फ़ोन आया कि भाई ऐसे आपके भाई पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे फॉरवर्ड पोस्ट पे और सब पाकिस्तान की साइड से फायरिंग हुई और उसमें आपके भाई देश के लिए शहीद हो गए। मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं भारतीय सेना जल्द ही ज्वाइन करूँगा। मेरी भाई की शहादत का बदला ज़रूर लूँगा मैं। पता है बड़ी बेसब्री से नम आँखों से सब इंतज़ार कर रहे हैं भाई का। घर में मैं, मेरे पापा, माँ, भाभी और उनका एक 7 महीने का लड़का है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी जैसा भी है मेरे फैमिली में वही मेरे इनकम कार्य जो भी करते थे वही थे, करता धरता सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड था। देश के लिए गए न कि किसी के लिए गए, ये थे नौगांव में पोस्टेड थे जी। 2327 मीडियम रेजिमेंट पोस्टिंग थी जी, आरटी की रेजिमेंट है ये जी। तो वहाँ पे ये ओपी पोस्ट पे थे जी जी, ऑपरेटर से थे ये जी। तो जो पोस्ट पे थे वहाँ पे सुबह के टाइम में ये हुआ है जब बताया उनके अधिकारी ने, तो जो गन होती है मोटार जी, मोटार का फायर इनके सीधे शरीर पे लगा है जी। ठीक है भाई साहब, मैं जब मोटार का शरीर मोटार का फायर लगा इनके शरीर पे जैसे ही, तो मोटार का शरीर पे जब लगता है तो मैं ही खोजी हूँ, कुछ नहीं होता उसके आगे। फिर क्या पूरे देश को गर्व होगा,
गर्व पूरे देश को है, हमारे को तो गर्व बाद में है, तो पूरे देश को गर्व है। और ये कोई ऐसे नहीं कि किसी आतंकवादी के साथ हुआ है। परिवार में कितने सदस्य हैं जी, बच्चे कितने हैं, क्या कुछ कर रहे हैं परिवार में इनके? जी एक इनका भाई है छोटा जी, और एक उनका खुद बच्चा है जी। कितने साल का बच्चा? उनकी सर्विस 5 साल हो गई थी जी। जी माँ बाप तो हैं उनके, बस यही सदस्य उनके परिवार में थे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहे? घर की आर्थिक स्थिति उन्हीं के ऊपर डिपेंड थी पूरी जी। जो करने वाले थे घर के बड़े थे वो उनकी वही थे, मतलब जो भी करता था साथ वही थे। तो ये थे हमारे साथ जो है भूपेंद्र सिंह चौहान के साला जी, ये परिवार के सदस्य थे, ये भी सेना में जो है शामिल हैं और सेना में ये भी कार्यरत हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि उनको इनके जियाजी पर पूरा गर्व है और वो सेना से मांग कर रहे हैं कि उनके छोटे भाई को उन्हीं के सेंटर से जो है आर्मी में लिया जाए ताकि वो पाकिस्तान से उनका जो है शहादत का बदला ले सकें। और फिलहाल जो है घर की आर्थिक स्थिति ऐसी देखने को नहीं मिल रही, एक छोटा भाई है, एक छोटा बच्चा है और उनकी फिलहाल ही अभी शादी हुई थी। तो उनकी कहीं ना कहीं सेना से और देश की सरकार से भी मांग है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए ताकि परिवार का जो भरण पोषण अच्छे से हो सके। हाल ही में भिवानी में अनेक जगहों पर डस्टबिन रखवाए गए हैं, लेकिन इनकी सफाई पर प्रश्न चिन्ह ही लगे रहते हैं। कूड़ा करकट से भर जाने के बाद भी इनके उठान का कोई भी समय निश्चित नहीं हो पाता है। वहीं लोगों से भी इन डस्टबिन्स का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले एक महीने पहले नगर परिषद द्वारा शहर में भीड़ वाले इलाके और दुकानों के सामने डस्टबिन रखवाए गए थे, लेकिन ये डस्टबिन भर जाने के बाद भी इन्हें नगर परिषद द्वारा खाली नहीं कराया जा रहा था। इसे दुकानदारों में काफी रोष था। जब इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आते ही शाम तक सभी डस्टबिन खाली करने की बात उन्होंने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने समय समय पर नगर परिषद की गाड़ी आने और इन्हें खाली करके ले जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन डस्टबिन की सफाई नहीं होती तो आम जन इनकी शिकायत नगर परिषद में कर सकता है ताकि उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वंचित एवं अनुसूचित जाति हरियाणा में मनोहर सरकार का आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आभार व्यक्त किया गया है। गौरतलब है कि आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर पुराने फैसले को रद्द करके सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे स्वेच्छा से आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर सकते हैं। उन्होंने इसे सरकारी नौकरियों में लागू करने का आग्रह भी किया है। बुधवार को नगर के निजी रेस्टोरेंट में वंचित अनुसूचित जाति द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें प्रदेश स्तर के वंचित अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ने की। आपको बता दें कि 2006 में वंचित और अनुसूचित जाति का आरक्षण वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जजों की बेंच ने फैसला लिया कि राज्य सरकार अपनी स्वेच्छा से आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है। वंचित अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण देकर सराहनीय कदम उठाया है। इसका उन्होंने आभार व्यक्त किया, साथ ही मांग भी की कि नौकरी के क्षेत्र में भी वंचित और अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करके ये आरक्षण 50% अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति में करने का कष्ट करे। अनुसूचित जातियों में आरक्षण को लेकर के लंबी लड़ाई रही है, धरने के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, गोलियां भी चली हैं, लाठियां भी खाई हैं, सड़कों पर भी चले हैं, और वो हमारे को उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोग अब जो इतना संघर्ष करने के बाद वर्तमान हरियाणा सरकार ने डिप्लॉयड शेड्यूल्ड कास्ट हरियाणा और ऑल इंडिया के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों के बेंच बनाकर के फैसला दिया है कि मुख्यमंत्री स्टेट का, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, स्वेच्छा से वंचित जातियों को आरक्षण दे सकता है। आज के प्रोग्राम में हरियाणा प्रदेश की वंचित जातियों के माध्यम से हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पुरजोर अपील करके, संघर्ष करके माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षा क्षेत्र में लागू करवाया है, वंचित जातियों का आरक्षण दिया है, हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही पुरजोर मांग करते हैं कि स्वेच्छा से इसे नौकरियों में भी लागू किया जाए ताकि डिप्लॉयड कॉस्ट हरियाणा में आरक्षण का समान बंटवारा हो सके और वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। आपका वो 20% है,
20% के आधार पर एक समाज विशेष को आरक्षण जा रहा है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो वंचित रह गई हैं आरक्षण से। अब सरकार ये चाहती है कि वंचित जातियों को आरक्षण में लिया जाए, और वंचित जातियों को आरक्षण दिया जाएगा तो आरक्षण का समान रूप से बंटवारा होगा, और वो नया हम कोई मांग नहीं रहे, आरक्षण में ही आरक्षण मांग रहे, वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, जो कि उचित है, न्याय संगत है। भिवानी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी एक व्यक्ति की बाइक छीनने की वारदात के बाद गठित टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, जिनसे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी दिनेश एक कॉटन मिल में काम करता था। वो 4 अगस्त को रात को 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आ रहा था कि अचानक जताई बस स्टैंड के आगे 3 नगापोशों ने दिनेश की बाइक रुकवा कर उसके साथ मारपीट की और उसका फोन और नगद और उसका मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। दिनेश की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई, जिसके चलते कल शाम को पुलिस की टीम बनाई गई और पुलिस टीम द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसमें अजय, बॉबी खान और शौकीन आदि शामिल हैं। अधिक जानकारी देते हुए सदर थाना SHO ने बताया कि इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि इनसे और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। 4/8/2020 को दिनेश नाम का व्यक्ति, जो SP कॉटन मिल सोरकी में नौकरी करता था, वह अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपने घर तिगड़ाना में आ रहा था, तो जताई और ताल्लू बस स्टैंड के नज़दीक 5-6 लड़के 2 मोटरसाइकिलों पर आए और उनको आगे लगा करके उसके चोट मार करके घायल करके और फिर उसकी मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल और उसके पास से 500 रुपये छीन कर लेके गए थे। जिसी आधार पर 6 तारीख को थाना सदर बियाणी में अभियोग दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश इंचार्ज मुढ़ाड़ चौकी द्वारा अमल में लाई गई। दिशा निर्देशों अनुसार अफसान वाला के कल जिन लड़कों ने उनसे मोबाइल और मोटरसाइकिल वगैरह छीनी थी, चोट मारी थी, उसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जो तीनों लड़के गांव कासनी, जिला चरखी दादरी के रहने वाले हैं। हाँ, पहले भी चरखी दादरी में इनमें कई वारदातों में संलिप्त रहे हैं और ये नशे के आदि हैं, और रात्रि के समय वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में अकेले व्यक्ति को जाते हुए को ये इस तरह की वारदात करते हैं। जो गिरफ्तार किया गए हैं, उन्होंने एक गोहाणा शहर में भी मोटरसाइकिल वाले को इसी तरह चोट मार के उनसे मोटरसाइकिल छीननी थी, जिसके संबंध में गोहाणा में भी अभियोग दर्ज है, उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को 70 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। खबर लिखे जाने तक आए 13 नए कोरोना पॉजिटिव। भूपेंद्र की शहादत का बदला लेने के लिए गांव का हर युवा है तैयार, कहा ग्रामीणों ने। नगर परिषद ने साफ कराए डस्टबिन, चेयरमैन ने कहा आगे से समय पर खाली होंगे डस्टबिन। वंचित और अनुसूचित जाति ने प्रदेश सरकार का जताया आभार, नौकरियों में आरक्षण वर्गीकरण को बताया सराहनीय कदम। भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 मोटरसाइकिल छीनने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमारे संग में बस इतना ही। अगले लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी।